भारत की यंग ब्रिगेड है, इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनके इंस्टिंक्ट्स अलग हैं। ये एग्रेशन के थ्रू रीबिल्डिंग फेज करते हैं, ये चार्ज के थ्रू जो है बताते हैं अपनी प्रेजेंस, और ये अपने आप में इतना इनको भरपूर कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स में कि ये हार नहीं मानते हैं। इंडिया ने सही मानों में अपनी होली जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं विद दिस ओडीआई सीरीज विन। अब मजे अच्छी चीज ये है कि दिस वाज अ हार्ड फॉट विन, दिस वाज नॉट एन इजी विन। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जी इंग्लैंड में और इंडिया में जो डिफरेंस है ना वो ऋषि पंत का है। आप सबों को रंगों के त्योहार होली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यह रंगों का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, पर इसका रंग और गाढ़ा तब हो गया जब कल भारतीय क्रिकेट टीम ने डे नाइट के एक बेहद रोमांचकारी वनडे के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 7 रनों से पराजित कर दिया। देशवासियों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा दिया गया यह तोहफा बहुत पसंद आया। भारतीय क्रिकेट टीम का यह विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इसी कारण पाकिस्तान के लोग भी भारतीय टीम के मुरीद हो गए हैं। वे क्या रहे हैं भारतीय टीम के बारे में, आइए सुनते हैं। ये मैच तो मुझे बहुत ही पसंद आया, ये सीरीज भी बहुत पसंद आई बाय द वे, इसलिए कि कड़ाकेदार मुकाबला हुआ और जब चैंपियन टीम्स मध्य मुकाबले होती हैं तो फिर क्रिकेट इलेक्ट्रिक होती है। छक्कों की वजह से ये सीरीज याद की जाएगी, हीरोज की वजह से ये मैच याद किया जाएगा। सो बात कहां से शुरू करें, बात शुरू करते हैं जब भारत की इनिंग्स 154 पे 4 खिलाड़ी आउट के साथ फंस सी गई थी, मगर फिर जो भारत की यंग ब्रिगेड है इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनके इंस्टिंक्ट्स अलग हैं। ये एग्रेशन के थ्रू रीबिल्डिंग फेज करते हैं, ये चार्ज के थ्रू जो है बताते हैं अपनी प्रेजेंस, और ये अपने आप में इतना इनको भरपूर कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स में कि ये हार नहीं मानते हैं। और कुछ ऐसा ही देखा, देखिए जब विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए, जब सेंचुरियन केएल राहुल जल्दी आउट हो जाए, जब रोहित शर्मा 30-35 करके सेट होके आउट हो जाए तो कोई भी बैटिंग लाइनअप प्रेशर में आ सकती थी, मगर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का जो मैटर है ना, क्रिकेटिंग मैटर, ये और ही किस्म का है। ये लोग बाउंड्री देखते हैं, ये लोग छक्के देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं गलती करूंगा आउट हो जाऊंगा। हालांकि एक बॉल पे भी गलती अगर कर जाते तो ये इनिंग्स नोज डाइव कर सकती थी, इतनी प्रिकेरियस सिचुएशन थी। मगर दोनों ने लाजवाब बैटिंग की, ऋषभ पंत ने 70 कुछ किए, इसी तरह से हार्दिक पांड्या। सो हीरोज बेइंतहा थे, किसकी बात करें, ये तीन की तो मैंने बात की, उसके बाद शार्दुल ने 4 विकेट्स लिए, भुवी ने अपनी गेम को और ऊपर उठा दिया इस फाइनल में, और ओपनिंग पेयर के पड़खच्चे उड़ा दिए। सो उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब थी, और वो रूम नहीं देते हैं, चाहे राइट हैंडर को बॉल कर रहे हो या लेफ्ट हैंडर को बॉल कर रहे हो। क्या मैच हुआ जी, आज तो कमाल मैच हो गया, और फिटिंग एंड टू दिस इंडिया एंड इंग्लैंड वनडे सीरीज। नंबर 1 साइड इंग्लैंड, नंबर 2 साइड इन ओडिया रैंकिंग्स इंडिया, और दोनों ने आज जिस तरह से मैच खेला है, इंडिया जीता एंड में 7 रन से, लेकिन जबरदस्त मैच, और आई थिंक दोनों टीमों ने बाकी दुनिया की जितनी टीमें हैं उनको शो कर दिया इस सीरीज में कि वाइट बॉल क्रिकेट का क्या लेवल है और किस लेवल की वाइट बॉल क्रिकेट होनी चाहिए अगर टीमों ने मैचेस जीतने हैं। T20 सीरीज भी ले लें, वनडे सीरीज भी ले लें, दोनों मतलब वाइट बॉल सीरीज में इंडिया ने दोनों वाइट बॉल सीरीज जीती, टेस्ट सीरीज भी जीती, लेकिन आई टेल यू दिस वाइट बॉल सीरीज हैज बीन अमेजिंग, गुड विन फॉर इंडिया। दैट मींस दैट इंडिया हैज वन ऑल 3 सीरीज, ऑल 3 फॉर्मेट्स अगेंस्ट इंग्लैंड। टेस्ट सीरीज भी वो जीते थे, पहला टेस्ट हारने के बाद T20 भी जीते और वनडे भी जीते, तो इंडिया ने सही मानों में अपनी होली जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं विद दिस ओडीआई सीरीज विन। अब मजे अच्छी चीज ये है कि दिस वाज अ हार्ड फॉट विन, दिस वाज नॉट एन इजी विन। उससे पहले मैं ऋषभ पंत की बात करना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या प्लेयर है कि मैंने बड़े अरसे के बाद है ना कोई इस तरह का प्लेयर देखा है जो मेरी जो आप सोचते हैं कि जिस तरह का किसी प्लेयर को होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये उससे भी अच्छा खेलता है। मैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ क्योंकि जी ऐसा प्लेयर मैंने इतने अरसे के बाद देखा है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं क्योंकि जी जिसपे किसी टाइम भी कोई प्रेशर आता हो, कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसने जिसमें सारे सीनियर बाहर चले गए थे, सारे सीनियर चले गए थे, तो उस टाइम भी ये कि जिसमें ऊपर से अगर आउट हो जाते थे, ये जिस टाइम आके खेलता था ऐसा लगता ही नहीं था कि जी कोई 3 से 4 विकेटें गिरी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक खौफ होता था कि जी आप है ना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, पहली सीरीज है तो समझ ही नहीं आती थी,
जहां भी अभी जिस वनडे में खेलता है तो मुझे लगता ही नहीं कि जी कोई बॉल है ना स्विंग हो रहा है, कोई स्पिन हो रहा है, कोई विकेट मुश्किल है, लगता ही नहीं कि जिस तरह आके ये अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू करता है। और मैं आपको बताऊं कि जी बड़े अरसे पहले है ना, अगर जिन लोगों ने 70s और 80s की क्रिकेट खेली थी, जिस टाइम भी वो वेस्ट इंडीज की टीम होती थी ना, जिस टाइम मुवाजना करते थे ना, तो वो कहते थे कि जी डिफरेंस विव रिचर्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि जी इंग्लैंड में और इंडिया में जो डिफरेंस है ना वो ऋषि पंत का है। थोड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं कि जी इंडिया की टीम को, मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है कि जिस तरह इंडिया के ड्रेसिंग रूम में नए लोगों ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं, कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, मैं जो इनको खेलता हुआ देख रहा हूं, ये ऋषि पंत हो गया, केएल राहुल हो गया, पांड्या ने आया, दूसरे जो जितने भी सारे ये प्लेयर्स हैं, अब जो इनकी परफॉर्मेंस का लेवल है या इनकी जो ये जिस तरह विकेट बॉलिंग करते हैं, जिस तरह सुराज आया था फास्ट बॉलर्स या दूसरे फास्ट बॉलर्स आए या जो भी लड़के आ रहे हैं, तो ये अपना ड्रेसिंग रूम का स्टैंडर्ड है ना नए लेवल पे सेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक टीम टेस्ट हुई और उन्होंने शो किया कि दे कैन होल्ड द नर्व्स टिल द एंड। जो 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 चीज मुझे स्टैंड आउट करती है, अगेन अनदर न्यू प्लेयर, अनदर यंग प्लेयर फ्रॉम इंडियन क्रिकेट कमिंग फॉरवर्ड, पुटिंग अप हिज हैंड एंड शोइंग कि ही कैन टेक द प्रेशर एंड ही कैन डिलीवर। कोहली शोड ट्रस्ट इन नटराजन, लास्ट ओवर दिया उसको, हालांकि वो चाहता था तो, अगर चाहता तो वो शायद आके पीछे होल्ड कर सकता था भुवनेश्वर का एक ओवर या इवन ठाकुर का ओवर, बट ही डिडंट डू दैट। मतलब फैंटास्टिक मतलब कैप्टनसी फ्रॉम कोहली, ही केप्ट कूल। कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, मिस फील्डिंग्स हो रही थी, आज खास करके प्रसाद का बहुत बुरा दिन था बेचारे यंगस्टर का, बहुत उससे मिस फील्डिंग हुई, बॉलिंग भी छिली हुई, बट कोहली केप्ट कूल एंड दैट इज व्हाट अ कैप्टन नीड्स टू डू। इतना हाई मतलब ऑक्टेन मैच ही हो गया था एक स्टेज पे कि जो लास्ट ओवर हो रहा था, सेकंड लास्ट ओवर हो रहा था, तो इवन रवि शास्त्री से भी आ गया, वो भी मतलब सीट से खड़ा हो गया था। लेकिन गुड विन बाय इंडिया एंड आई थिंक फिटिंग एंड टू दिस वनडे सीरीज। आई थिंक बोथ टीम्स हैव सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ प्ले जो कि कमाल है। मतलब मजा आया देखने का इस सीरीज को। अगेन आज इंग्लैंड हैड टू चेस 300 प्लस 330 का आज उनको चेस डाउन करना था, बट दे कुडंट चेस दैट डाउन। और उसकी एक मेन वजह ये थी कि आज इंडिया के पास सिक्स बॉलर का ऑप्शन था, पिछले मैच में भी था, दे डिडंट बॉल हार्दिक, बट टुडे कोहली यूज हार्दिक। हार्दिक ने जो सेकंड लास्ट ओवर किया, 90 जो 49th ओवर किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें कैचेज भी ड्रॉप हुआ, बट हार्दिक ने उस ओवर में जिस तरह कंटेन किया इंग्लैंड बैट्समैन को, वुड को आउट किया, वुड तो खैर रन आउट हुआ था, बट दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सिक्स बॉलर के होने से आज इंडिया को बहुत फर्क पड़ा है। जब हार्दिक को आप यूज करेंगे एज अ सिक्स बॉलर, आई थिंक इंडिया के पास फिर परफेक्ट जो है वो बैलेंस आ जाता है। अगर आप इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप को देखें, ये बेसिकली आई कॉल दिस द बी बॉलिंग लाइनअप ऑफ इंडिया, क्योंकि ना तो बुमराह था इस सीरीज में, ना तो शामी था, शामी भी रिकवर हो रहा है इंजरी से, ही इज रिकवर्ड, आई हर्ड फ्रॉम हिज इंजरी। फिर उसके बाद आपका जो है यादव भी नहीं था, और जो सीनियर बॉलर जिनको मैं कहता हूँ वो अवेलेबल नहीं थे, तो ये बी अटैक थी इंडिया की। और कमाल बात ये थी कि देखें आप कैसे क्रिकेट चेंज हो चुकी है, कैसे जो है टीम्स की थिंकिंग चेंज हो चुकी है, कि आज इंडिया जो मैच जीता है, उन्होंने दे वेंट इन विद अ पैक्ड पेस अटैक टुडे, दे हैड जस्ट वन स्पिनर इन कृणाल पांड्या, और उसको भी उन्होंने शायद इसलिए खिलाया कि वो बैटिंग अच्छी करता है नीचे, नो स्पेशल स्पिनर, दे ड्रॉप कुलदीप यादव टुडे। चहल की बात हो रही थी खिलाने की, लेकिन चहल को नहीं लिया, कोहली वेंट फॉर हिज पेस अटैक, ही शोड मोर कॉन्फिडेंस इन हिज पेस अटैक। इंडिया वेरी लकी टुडे के पंट एंड हार्दिक प्रोड्यूस टू मास्टरफुल इनिंग्स। पंट तो भाई मैं क्या कहूँ इस बंदे का यार, मतलब मैं उसको जितनी दफा देखता हूँ, हर की जब मैं हर इनिंग्स देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या ये प्लेयर है यार, ही सो मतलब अलाइव। और एक चीज मैं जरूर कहूँ इस इंडियन टीम की, द वे द प्लेयर्स इंजॉय द गेम, दैट इज द की, कि आप इंजॉय करें गेम को जब आप खेल रहे हो, तो जब आप जीत रहे होते हैं तो नेचुरल एक और कमाडरी बढ़ती है प्लेयर्स के आपस में, लेकिन इंजॉय करना गेम को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत का मुझे की यही लगता है कि ही इज समवन हु इज ऑलवेज एंजॉयड द गेम। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा, और फिर अभी इंग्लैंड के साथ घरेलू मैदान पर भारतीय टीम ने जिस प्रकार से उम्दा प्रदर्शन किया, इसको देखकर यह कहा जा सकता है कि हार के मुंह से जीत छीन लेना लगता है भारतीय टीम की आदत सी हो गई है। कल वनडे मैच के समाप्ति के साथ भारत ने इंग्लैंड से मैच 7 रनों से जीत लिया। इस प्रकार यह इंग्लैंड का भारत का दौरा भी समाप्त हुआ। इस दौरा
के समापन पर टेस्ट मैच में 3-1 से भारत के पक्ष में मैच रहा, T20 में 3-2 से भारत के पक्ष में रहा और फिर वनडे में 2-1 से मैच भारत के पक्ष में रहा। वनडे में जहां तक सवाल है, भारत इंग्लैंड से यह लगातार 29 साल से घरेलू मैदान पर श्रृंखला जीतते रहा है। तात्पर्य भारत के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड से बेहतर प्रदर्शन किया और इस प्रकार भारत ने यह बता दिया कि वह सही में वर्ल्ड चैंपियन बनने का हकदार है। भारत ने अपने टेस्ट मैच के सफर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ ही 1932 में किया था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया। 1974 में पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ ही भारत शुरू किया और इस प्रकार अपने वनडे के सफ़र की शुरुआत की। भारत ने जहां तक T20 के मैच की सफ़र की शुरुआत की बात है, साउथ अफ्रीका से पहला मैच खेला था। भारत अभी तक सभी 10 टेस्ट प्लेइंग देशों के साथ टेस्ट मैच खेल चुका है। जहां तक ODI मैच का सवाल है, भारत अभी तक 19 देशों के खिलाफ ODI खेला है और 13 देशों के खिलाफ T20 मैच खेल चुका है। भारत अब तक 550 टेस्ट मैच खेला है, जिसमें 162 में जीत, 169 में हार तथा 219 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं और एक टेस्ट मैच टाई रहा है। इसी प्रकार 993 वनडे मैच भारत खेला है, जिसमें से 517 में जीत, 427 में हार, 9 मैच टाई रहे हैं और 41 मैचों में कोई परिणाम नहीं निकला, यानी किसी कारणवश वह मैच वनडे का पूरा नहीं हो पाया। जहां तक T20 का सवाल है, भारत ने कुल 142 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 88 में जीत, 47 में हार और 3 T20 के मैच टाई रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।